साखी बेशवा ते बाबा फरीद जी। बाबा शेख फरीद जी का जिथे मुकाम डेरा सी उत्थे रस्ते विच इक बेशवा का कोठा सी। बाबा जी जदों भी उस घर दे अग्गों लंघदे सी तां ओ बेशवा बाबा फरीद जी नूं आखदी, भगत जी तुहाडी दाढ़ी नालों मेरे कुत्ते दी पूछ कितें चंगी है, चंगी होवेगी। इन्ना आख के फरीद जी अग्गे लंघ जांदे। इस तरह कई बार वह बेशवा बाबा जी नूं यही सवाल करदी। हर बार बाबा जी का एक ही जवाब हुंदा, चंगी होवेगी। अखीर अपना अंतम समां नज़दीक आया जाण के बाबा फरीद जी ने अपने चेलियां नूं कहा कि उस कोठे वाली बेशवा नूं सद्या जावे। चेले हैरान हो गए। सारी उम्र रब की इबादत करन वाला अंतले समय एक बेशवा नूं याद कर रहा, बड़ी आश्चर्य गल है। चेले उस बेशवा नूं सद के लै आए। बेशवा कहन लगे, हाँ जी भगत जी दसो की काम है। बाबा फरीद जी कहन लगे, अज मैं तेरे सवाल का जवाब देन लगा हाँ, मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते दी पूस नालों किते चंगी है। बेशवा कहन लगी, जदों मैं पुछदी सी उदो जवाब क्यों नहीं दिता। बाबा फरीद जी कहन लगे, इस संसार विच विचरदिआं मेरे कोलों जे कोई गलत कर्म हो जाता जिस नाल मेरी दाढ़ी कलंकत हो जाती, फिर मेरी दाढ़ी नालों तेरे कुत्ते दी पूस किते चंगी होनी सी। पर अज मैं सुरखरू हो के इस फानी संसार तो जा रहा, इसलिए तेरे कुत्ते दी पूस नालों मेरी दाढ़ी किते चंगी है। ये महानता है महान फकीर पूर्ण महापुरख दी। कपड़े भेख गड्डियां पांच सत चेले चपाटे लै के अजकल हर कोई साधु अखवा रहा, पर यह सब वेख के हर एक नूं साधु ना मन लिया करो। जिस दिन बाबा फरीद जी वर्गा कोई मिल गया तो समझ लो सच्चे साधु नाल मिलाप हो गया। दोस्तों वीडियो वधिया लगी होवे तां चैनल नूं सबसक्राइब ते वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ। रब रखा।